स्टूडेंट्स, आई एम अनिता कुमारी फ्रॉम सी एम जे इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन बनकट मोतिहारी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3 फ्रॉम क्लास 4 सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को हिंदी में द्वितीयक मेमोरी कहते हैं। दिस मेमोरी इज परमानेंट इन नेचर। यह एक अस्थाई मेमोरी है। इट इज यूज टू स्टोर द डिफरेंट प्रोग्राम्स एंड द इंफॉर्मेशन परमानेंटली विच वे आर टेम्पोरली स्टोर्ड इन RAM। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम और सूचनाओं को अस्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किया जाता है जो RAM में अस्थायी रूप से होता है। इट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन टिल वी इरेज इट। इसमें सूचना रखते हैं जब तक इसे मिटा ना दें। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, कंपैक्ट डिस्क, DVD, पेन ड्राइव, ब्लूरे डिस्क etc. नाउ हार्ड डिस्क। दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर विच इज फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स। यह कंप्यूटर के प्रमुख डिवाइस है। यह CPU में स्थित रहता है। इट्स स्टोरेज कैपेसिटी इज वेरी हाई। द वेरीज फ्रॉम 200 GB टू 3 TB। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत अधिक होती है जो 200 GB यानी GB से 3 TB होता है। एज इट इज फिक्स इनसाइड द CPU बॉक्स इट इज नॉट ईजी टू मूव द हार्ड डिस्क फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। जैसे ये CPU बॉक्स में स्थित होता है इसे आसानी से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मूव नहीं किया जा सकता है। ए हार्ड डिस्क कंटेन्स ए नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क विच आर कॉल्ड प्लैटर्स। एक डिस्क नंबर ऑफ मेटालिक डिस्क रखता है जिसे प्लैटर्स कहते हैं। द इंफॉर्मेशन इज स्टोर ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैटर्स इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लैटर्स इन ए सीरीज ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल्स। सूचना प्लैटर्स के सतह पर रिकॉर्ड संकेंद्रित वृत्त में किया जाता है। दी सर्किल्स आर कॉल्ड ट्रैक्स। इन वृत्तों को ट्रैक्स कहते हैं। फॉर द पर्पज ऑफ एड्रेसिंग इंफॉर्मेशन द सर्फेस इज कंसिडर्ड टू बी डिवाइडेड इन टू सेगमेंट्स कॉल्ड सेक्टर्स। इन ट्रैकों को पुनः दो भागों में बांटा गया है जिसे सेक्टर कहते हैं। दिस डिवीजन हेल्प्स इन द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा ऑन द प्लैटर एंड हेल्प्स इन मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्टोरेज स्पेस। डिस्क के प्रत्येक सेक्टर को एक विशेष नंबर से पहचाना जाता है। इस डिवीजन की सहायता से प्लैटर पर डाटा को अच्छी तरह संग्रहित किया जाता है और स्टोरेज स्पेस को उपयोग में सहायता किया जाता है। कंपैक्ट डिस्क इट इज ए थिन प्लास्टिक डिस्क कोटेड विथ मेटल। यह पतला प्लास्टिक डिस्क मेटल के साथ ढका रहता है। कंप्यूटर कैन रीड एंड राइट डाटा स्टोर्ड ऑन इट। कंप्यूटर इसमें डेटा को लिख और पढ़ सकता है। दिस इज एन ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस विथ ए स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अप टू 700 MB एंड इट कैन स्टोर वेराइटीज ऑफ डाटा लाइक पिक्चर, साउंड, मूवीज, etc. टेक्स्ट। यह एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होता है। यह विभिन्न प्रकार का डाटा जैसे पिक्चर, साउंड, मूवी इत्यादि को एकत्र कर सकता है। CD-ROM रेफर्स टू कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD-ROM का फुल फॉर्म कंपैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी होता है। डाटा और इंस्ट्रक्शन इज रिकॉर्डेड एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड इट कैन ओनली बी रीड। डेटा या इंफॉर्मेशन यानी सूचना एक बार में लिखा जाता है और एक केवल एक बार पढ़ा जा सकता है। ए CD-ROM
cannot be used to record fresh data by the computer. CD-ROM का उपयोग कंप्यूटर द्वारा स्वच्छ डाटा रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता है. CDR इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल. कंपैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल का छोटा रूप CDR होता है. डाटा कैन बी रिटेन ऑन इट वंस एंड कैन बी रीड व्हेन एवर रिक्वायर्ड. CD पर केवल एक बार लिखा जाता है और ज़रूरत के अनुसार पढ़ा जा सकता है. द डाटा रिटेन वंस कैनॉट बी इरेज्ड. एक बार लिखे जाने पर डाटा मिटाया नहीं जा सकता है. इन नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू CDRW, DVD, फ्लैश ड्राइव, ब्लू रे डिस्क. थैंक्स.